कलर्स, वाह कितने अच्छे होते हैं। कलर्स को देखते ही मन बहुत खुश हो जाता है। दिल करता है कि रंग बिरंगे कलर्स हों हमारे आसपास। तभी हम घर से बाहर छुट्टियां करने निकलते हैं, वादियों में जाते हैं, बाग में जाते हैं, फूल देखते हैं, सो डैट कलर्स हमें कुछ शांति दें। शायद ऐसा तभी है कि हम अपने बेडरूम में, अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में कलर्स लेकर के आना चाहते हैं। कई बारी देखा जाता है कि आप एक ही कलर अपने पूरे रूम में करवा देते हैं और मेजर शेड करवा देते हैं। अगर आपको ब्लू पसंद है तो पूरा रूम आप ब्लू शेड में करवा देते हैं। पिंक पसंद है तो पूरा रूम आप पिंक कलर में पेंट करवा देते हैं। अवॉइड करना चाहिए इसे। आपको एग्जांपल देता हूं कि सॉल्ट बहुत जरूरी होता है हमारी किसी भी डिश में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो वह आपके लिए ट्रबलसम हो जाएगा। इसीलिए कलर्स जितने भी आप जहां पर भी कराएं, पेस्टल शेड्स कराएं, बहुत ज्यादा मेजर शेड्स कराने से उस कलर की करैक्टरिस्टिक्स आपके ऊपर हावी होने लगेगी और जो बेसिक डेली लाइफ है उससे वह कलर अगर मैच नहीं किया तो आपको ट्रबल हो जाएगी। कई बारी प्लैनेटरी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपकी लाइकिंग वाले कलर्स हमारे प्लैनेट्स को सूट नहीं करते, लेकिन अगर यही कलर्स बहुत हल्के होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताता हूं कि मास्टर बेडरूम में क्या कलर होना चाहिए। मास्टर बेडरूम हर किसी के लिए मास्टर होता है। घर में अगर 3-4 लोग हैं, कपल के लिए भी मास्टर बेडरूम जरूरी है, बच्चों के लिए भी वह रूम उनके लिए मास्टर रूम है, क्योंकि उन्हीं के रूम से उनका संसार चलता है। मास्टर बेडरूम अगर साउथ वेस्ट में आता है तो हमें अर्दन शेड्स करनी चाहिए। मिट्टी का रंग, मिट्टी से जितने भी रंग जुड़े हुए हैं वो कलर्स इन दिशाओं में करनी चाहिए। यानी कि आपको अपने मास्टर बेडरूम जो कि साउथ वेस्ट में आता है या फिर साउथ में भी आता है तो उसमें ब्राउन कलर्स कर सकते हैं, रेड फैमिली के भी कलर्स आप कर सकते हैं। इससे आपको जीवन में स्थायित्व मिलेगा। स्थायित्व हर किसी को जरूरी है। मेरी कंसल्टेशन के दौरान मैं यह सुनता हूं कि कपल्स में फाइट बहुत ज्यादा होती है, लड़ते झगड़ते बहुत ज्यादा है। तो पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में है तभी तो आप लड़ेंगे। साउथ ईस्ट का जो बेडरूम होता है वह हमें प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, क्लैशेस इस तरफ पे जाने पे मजबूर करता है और बिना वजह हम लड़ उठते हैं। ऐसे रूम में, साउथ ईस्ट के रूम में लाइट ग्रीन शेड आपको करना है। लाइट ग्रीन शेड एक सटल शेड है जो आपको शांति देगा और वहां के गर्म माहौल को बहुत ही सटल करेगा और रिड्यूस करेगा। ध्यान दीजिएगा कि साउथ ईस्ट के रूम में कभी भी लाइट ब्लू या ब्लू ग्रे ऐसे शेड्स आपको नहीं कराने हैं। बहुत सारी जगह पर इंटरनेट में यह भी लिखा होता है कि पिंक प्यार का शेड है, तो अपने रूम में पिंक कलर कराइए। ऐसा नहीं है, पिंक कलर साउथ ईस्ट के रूम में शुभ नहीं माना जाएगा। आप लाइट ग्रीन शेड्स करवाएं। इन केस आपको लगता है कि आपको कलर्स नहीं चाहिए, बहुत ही शांति चाहिए, जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां आप शांति ढूंढते हैं, तो व्हाइट शेड भी आपको सूट करेगा और पीस लेकर के आएगा आपकी जिंदगी में। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का अगर बेडरूम आता है, वास्तु सेज कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन इन केस आपका बेडरूम है और आप कहते हैं कि यहां डे टाइम हमने स्पेंड करना है, सोएंगे नहीं क्योंकि वास्तु अलाउ नहीं करती है,
आप यहां पे लेमन शेड करवा सकते हैं, येलो शेड करवा सकते हैं। यह शेड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के रूम को बहुत एनहेंस कर देता है और आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी देता है। लास्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूं कि नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम स्थायित्व नहीं देता, स्टेबिलिटी नहीं देता। कभी भी कपल को नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम नहीं लेना चाहिए। बट इन केस अगर आपको नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम मिल गया और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसमें पर्ल वाइट कलर करवाएं, वाइट कलर जिसमें शाइनिंग हो। कलर नहीं करवा सकते हैं तो वाइट कलर की कुछ चीजें, वस्तुएं, एलिमेंट्स आप अपने इस रूम में ला करके रखें। कलर्स हमेशा हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, इन्हें संभाल के रखिए। सब्सक्राइब नाउ फॉर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस बाय डॉक्टर पुनीत चावला।